हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी भीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि सीएससी में ईश्रम कार्ड टक्कर की सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है। और एक सीएससी भीएलई अब आप लोग किसी का भी यह कार्ड बना सकते हैं, जिसमें से प्रत्येक कार्ड बनाने में एक सीएससी भीएलई को ₹50 का इंस्टेंट कमीशन भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं कि वह कौन से सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है और आप लोग कौन से कार्ड को बनाएंगे और इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, और साथ में बात करेंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से ₹50 का इंस्टेंट कमीशन भी मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट डिटेल में बताएंगे, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो उस कार्ड को बनाने के लिए आप लोग को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर आना है और यहाँ पर से आप लोग को सर्च करना है आभा। आभा लिखकर आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा आभा आईडी कार्ड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर से सीएससी के माध्यम से जो वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है उसमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये भी habhaidi.cscloud.in, इसका भी लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर से आएंगे तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा सीएससी आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा। तो सीएससी के माध्यम से लॉगिन करने के लिए आप लोग लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर से आप लोग देखेंगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं जो आपके सीएससी में रजिस्टर है। इसके अलावा अगर आप लोग सीएससी के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से लॉगिन सीएससी कनेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर से लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग अदर स्टेट हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के सीएससी वीएलई ही लॉगिन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अदर स्टेट के सीएससी वीएलई हैं तो यहाँ पर से आप लोग लॉगिन नहीं कर सकते। इसका रीज़न यह है कि यहाँ पर से इस सर्विस सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो अदर स्टेट के सीएससी वीएलई हैं तो आप लोग किस प्रकार से लॉगिन करके बनाएंगे, तो इसके लिए आप सभी लोग को सिंपली सर्च करना है आभा कार्ड। आभा कार्ड लिखकर आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आभा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो आभा कार्ड बनाने का मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर से अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं तो आप लोग खुद से भी आभा कार्ड आप यहाँ पर से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आएंगे, देन यहाँ पर से आप लोग को क्रिएट आभा नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोग को यहाँ पर से क्रिएट आभा नंबर, आप लोग को दो ऑप्शन मिल जाता है। पहला कि आप लोग यहाँ पर से कस्टमर का आधार नंबर को इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कस्टमर के पास यहाँ पर से ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके थ्रू से भी आप लोग यहाँ पर से बना सकते हैं। यहाँ पर से ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड ही होता है, तो जिसके लिए आप यहाँ पर से आधार के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से क्रिएट आभा नंबर यूजिंग आधार आप लोग को आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर से कंसर्न कलेक्शन आप यहाँ पर से इंटर करेंगे, मतलब कि आप लोग जो भी कस्टमर का आभा कार्ड बना रहे हैं तो उसका आप लोग यहाँ पर से आधार कार्ड नंबर को इंटर करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर से टर्म्स एंड कंडीशन को आई एग्री के ऑप्शन में टिकआउट करेंगे। उसके बाद दिए गए कैप्चा को फिल करेंगे एंड यहाँ पर से नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो भी कस्टमर के रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद आप कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन में उस ओटीपी को आप यहां पर से इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहां पर से मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, आप लोग को मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद आप लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग को वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर इंटर किए हैं उसमें एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद आप उस ओटीपी को इंटर करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहां पर से ईमेल आईडी को इंटर करेंगे। उसके बाद आप वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से आ जाता है कम्युनिकेशन डिटेल में ही कस्टमर का, आप लोग यहाँ पर से ईमेल आईडी को इंटर करेंगे। उसके बाद आप वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो आपने ईमेल आईडी एंटर किए हैं उसमें एक वेरिफिकेशन लिंक को सेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद आप लोगों को कस्टमर को बोलना है वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर वो प्रेजेंट टाइम में वेरिफिकेशन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर से स्किप फॉर नाउ इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग स्किप कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर से आ जाता है आभा एड्रेस क्रिएशन। आप लोग को सबसे पहले क्रिएट और यूनिक आभा एड्रेस, जिस प्रकार से आप लोग किसी भी प्रकार से कोई भी यूजर नेम क्रिएट करते जो कि एक प्रकार से यूनिक होता है, उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर से इंटर आभा एड्रेस आप लोग को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर सजेशन में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर किसी में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट आभा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोग यहां पर से देखेंगे तो आभा आईडी कार्ड सक्सेसफुली बन चुका है और साथ में कस्टमर का नेम आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहां पर से आभा नंबर और साथ में आभा एड्रेस और उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जिसके बाद आप डाउनलोड आभा कार्ड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर से आप लोग आभा आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इस कार्ड को प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि बेसिकली आभा आईडी कार्ड होता क्या है और इसे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से कमीशन मिलेगा। आभा आईडी कार्ड एक प्रकार से हेल्थ कार्ड है जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इस कार्ड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन रख सकता है। आभा आईडी कार्ड बेसिकली इसे लोगों को बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना कहीं भी इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाते हैं और वहाँ पर उसको जो भी हेल्थ रिकॉर्ड होता है तो उसे बाय डॉक्यूमेंट के तौर पे दिए जाते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति को कहीं भी अपना हेल्थ रिकॉर्ड दिखवाना होता है तो वो उस डॉक्यूमेंट को दिखाते हैं। लेकिन अब ये पूरा तरीके से डिजिटल हो चुका है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना कहीं भी इलाज करवाता है और उसका जो भी हेल्थ रिकॉर्ड होता है वो अपने डिजिटल तौर पे अपना आभा आईडी कार्ड पे ले सकते हैं और उसे कहीं भी अपना हेल्थ रिकॉर्ड दिखाने की ज़रूरत है तो उन लोग जो भी आभा आईडी कार्ड है उसे आप लोग जमा कर सकते हैं और उस आभा नंबर से उसका जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है वो डायरेक्टली शो हो जाएगा। तो ये बहुत ही काफ़ी बेहतरीन अच्छी सर्विस है जो कि बहुत सारे लोगों को रिक्वायर्डमेंट होता है, तो ये सर्विस अपने आसपास के लोगों को बना सकते हैं। आभा आईडी कार्ड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी सीएससी के माध्यम से पेमेंट नहीं करना होता है। इसके अलावा अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं तो आप लोग आभा आईडी कार्ड को खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि एक सीएससी वाली को किस प्रकार से 50 रुपये का कमीशन मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि आभा आईडी कार्ड आप लोग कोई भी कस्टमर को ये सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हैं, इसके बेनिफिट के बारे में और ये बेसिकली वर्क कहाँ करेंगे इसके बारे में, एंड उसका आप लोग बिल्कुल फ्री में आभा आईडी कार्ड बना सकते हैं और उसे आप लोग कमीशन के तौर पे 50 रुपये का चार्ज कर सकते हैं जो कि एक सीएससी वीएलई का होता है। तो इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट डिटेल में बताएं कि आप लोग किस प्रकार से आभा आईडी कार्ड को बना सकते हैं और साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।